फ्रेंड्स, मैं आज आपको M10S सैमसंग M10S का जो FRP लॉक है उसको बाईपास कैसे करते हैं, गूगल अकाउंट को रिमूव कैसे करते हैं, इजी सा ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आपके मोबाइल में आपको वाईफाई ऐड करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सबसे पहले मेरे मोबाइल में FRP लॉक लगा हुआ है, वो प्रूफ बता देता हूँ आपको मैं कि FRP लॉक है, उसको बाईपास कैसे करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे मोबाइल में जो FRP देख सकते हो, यहाँ पर स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है और ईमेल आईडी पूछ रहे हैं। अभी इसको कैसे बाईपास करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट पर आना है, स्टार्ट मेन्यू पर आना है, सबसे पहले बैक कर देना है और इसके बाद में आप कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर देना है। ये सैमसंग FRP 2020 बाई ये लिखा हो, ये आपको गूगल पर सर्च करना हो, ये आपको एक ऐप आएगा, छोटा सा एप्लीकेशन है PC में, सैमसंग FRP 2020, इसको इंस्टॉल कर देना है। ये इसको आपको इंस्टॉल कर देना है, डाउनलोड कर देना है गूगल से। ये इस प्रकार से आपको डाउनलोड करके, गूगल से डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर देना है सैमसंग FRP टूल, इजी सैमसंग FRP टूल ये करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर देना है, जिसका आपको बाईपास करना है वाईफाई से कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद में वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद में उसमें कंप्यूटर के द्वारा आपको USB कनेक्ट कर देना है। ये मैं देखिए कंप्यूटर के द्वारा इस मोबाइल में USB कनेक्ट कर रहा हूँ। आपका मोबाइल का जो वाईफाई से कनेक्ट होना ज़रूरी है ये मोबाइल। इसके बाद में सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पर जाना है, बाईपास FRP, ये देखिए बाईपास FRP, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन आएगा, ये देखिए आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो, मोबाइल के कुछ ऑप्शन आएगा, व्यू करके आएगा, यानी सीधा आपके मोबाइल पर यूट्यूब ओपन हो जाएगा। ये देखिए अभी ऑप्शन आएगा एक, देख सकते हो स्क्रीन पर, ध्यान से देखोगे ये व्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये क्लिक करते ही यूट्यूब ओपन हो जाएगा, यूट्यूब ओपन होते ही सीधा क्रोम ब्राउज़र आपका ओपन हो जाएगा। अभी क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है, तो अभी आपको USB केबल रिमूव कर देना है। ये रिमूव कर दिया हमने केबल, अभी क्रोम ब्राउज़र के द्वारा एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। एप्लीकेशन नहीं बोले तो एक VN ROM बाईपास करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको जाना है। इसमें आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जाना है सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन लेना है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है और देखिए सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका मॉडल नंबर, ये मॉडल नंबर और सॉफ्टवेयर वर्जन है, एंड्रॉयड 10 है और ये इसका मॉडल है AM10S सैमसंग M10S और एंड्रॉयड वर्जन 10 है। इसमें आप कोई कोई मोबाइल में होता है पिन विंडो, यानी पिन में जाकर इसका जो पैटर्न लॉक चेंज कर सकते हो। देखिए सिक्योरिटी में जाओगे, अदर सेटिंग में नीचे लिखा होगा पिन विंडोज़, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, वापस बैक की प्रेस कर देना है, वापस बैक की प्रेस करना और बैक की प्रेस करना। यहाँ पर जाना है VN ROM बाईपास पर, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट स्क्रीन लॉक, यहाँ पर ओके कर देना है और आपको पैटर्न पर क्लिक कर देना है और कोई भी आपके हिसाब से आपको पैटर्न रख देना है, आपके हिसाब से कोई भी पैटर्न रख सकते हो नया, ये पैटर्न रख दिया है। अभी आपको क्या करना है, स्किप पर क्लिक कर देना है और आपको बैक की प्रेस करना है, यानी सीधा स्टार्ट मेन्यू पर आना है आपको, बैक की प्रेस करते जाना है, सीधा स्टार्ट मेन्यू पर आ जाना है, फिर यहाँ पर ओके कर देना है और नेक्स्ट करना है, वापस आपको नेक्स्ट करते जाना है। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये जो पुराना पैटर्न है वही लगाना आपको, जो पैटर्न पहले लगाया था ये आपको पैटर्न लगाना है। नीचे आप देख सकते हो स्किप ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर जीमेल आईडी की जगह अभी स्किप ऑप्शन हो चुका है, स्किप पर क्लिक कर देना है, वापस स्किप पर क्लिक कर देना है, यानी आपका जो बाईपास FRP है वो हो चुका है। अभी देख सकते हैं एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक, ओके पर क्लिक कर देना है। ये अभी हमारा मोबाइल ओपन हो चुका है, ये M10S है, FRP लॉक, गूगल अकाउंट लॉक ओपन हो चुका है बाईपास। एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन है, आप कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर देना है और इसके बाद में इजी सा तरीका है, मैं आपको ट्रिक पूरा बता चुका हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा मोबाइल ओपन हो चुका है, ये देखिए अभी ओके करना है और इसको डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करते ही आपका सीधा होम स्क्रीन आ जाएगा ये मोबाइल का, यानी ये FRP बाईपास हो चुका है, एकदम ईजी तरीका है एंड्रॉयड 10 को FRP बाईपास के द्वारा। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपको ट्रिक कैसा लगा, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मैं ऐसे ट्रिक लाता रहता हूँ इस चैनल पर। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।